दोस्तों, अगर आप गलती से फोन पे या फिर गूगल पे से गलत ट्रांजैक्शन कर दिए हो तो वो आपको पैसा वापस कैसे मिलेगा? मतलब कि आप किसी और को पैसा भेज रहे थे, लेकिन गलती से किसी दूसरे के पास आपका पैसा चल गया है, तो वो पैसा आपको रिफंड कैसे मिलेगा? आज के इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे या फिर गूगल पे को ओपन कर लेना है, जिस भी ऐप से आपका गलत ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो गलत ट्रांजेक्शन हुआ है फोन पे से हुआ है, तो मैं अपने फोन में फोन पे ऐप को ओपन कर लूंगा, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका फिंगरप्रिंट पिन है वो सब आप कुछ डाल देना है, और यहाँ पर आपको आ जाना है हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में आने के बाद यहाँ पर सारा ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगा, जिसमें से आपका जो भी गलत ट्रांजेक्शन हुआ है उसका डिटेल आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे कि मेरा ये गलत ट्रांजेक्शन हुआ है मानकर चलते हैं, तो यहां पर मैंने इसका डिटेल ओपन कर लिया है, और उसके बाद यहां पर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, जैसे कि मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब यहां पर आपको आगे का जो प्रोसेस करना है यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहां पर इसे कट करना है और अपने फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूं, तो मैं क्रोम ब्राउजर अपने फोन में ओपन कर लूंगा, और यहां पर आपको गूगल पर टाइप करना है, यहां पर लिखना है NPCI। ठीक है, ये आपको लिख देना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या स्पेलिंग है, ये आपको देखकर और लिख लेना है, और इसे आपको सर्च कर लेना होगा। सबसे ऊपर में ही यहाँ पर आपको ये पोर्टल मिल जाता है NPCI, बस आपको इस पर क्लिक कर इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि साइड में आपको एक थ्री लाइन दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस थ्री लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे, गेट इन टच। ठीक है, तो गेट इन टच पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है UPI कंप्लेंट। ठीक है, ये आप देख लो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आ जाएगा कंप्लेंट का ऑप्शन, और यहां पर जो भी आपका हुआ है दिक्कत फोन पे में वो आप सब कुछ यहां पर कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन मेरा ट्रांजेक्शन गलत हुआ है, तो यहां पर सबसे ऊपर में ट्रांजेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर सारा ये जो फॉर्म है आपको फिल करना होगा, लेकिन फिल करते वक्त आपको सब कुछ बात ध्यान देना होगा, नहीं तो अगर जरा सा भी यहां पर मिस्टेक हो गया ना, तो आपका वो पैसा वापस कभी जीवन में नहीं आ पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करते वक्त जरा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको आना है, और यहां पर दो ऑप्शन मिलता है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर आपका पर्सन टू पर्सन हुआ है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, अगर आपका पर्सन टू मर्चेंट हुआ है तो आपको यहां पर सेकेंड वाला सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों का मतलब है क्या। जैसे कि दोस्तों, अगर आपका पर्सन टू पर्सन यानी कि आपने किसी पर्सन को किया है, किसी आदमी को किया है, ठीक है, तो वो आपको करना है, किसी आम आदमी को किया है तो वो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपने किसी भी बिजनेसमैन को किया है, ठीक है, तो वो आपको यहां पर करना क्या है, पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, तो मेरा जो है वो पर्सन टू पर्सन है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका पर्सन टू मर्चेंट है ना, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब ये हो गया, अब उसके बाद यहाँ पर ये यह क्या है, इशू, आपका आपके साथ क्या इशू आया है, तो यहाँ पर सिंपल इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसी को आपको सेलेक्ट करना है, ना कि दूसरा आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट आपको इस पर टिक कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है कमेंट्स का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कमेंट्स लिखना है, और ये 500 वर्ड में लिखना रहता है। ठीक है, आपको कम से कम जो 500 वर्ड जो है मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 500 वर्ड है, तो यहाँ पर आपको जो है लिख देना है कि आपका जो गलती हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, वो किस वजह से हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भी है, तो मैंने यहाँ पर कमेंट्स में लिख दिया है इनकरेक्टली जो है वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने मन हिसाब से जो वो लिख लेना, मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी, आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी डालना है। ट्रांजेक्शन आईडी आपको मिलेगा कैसे, आप जिसको भी पैसा भेजे हो ना, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी रहता है। देखिए, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ट्रांजेक्शन आईडी है, आपको क्या करना है, इसे आपको कॉपी कर लेना होगा।
ये जो है कॉपी का बटन, आपको इस पर क्लिक कर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पर आओगे तो ये यहाँ से जो है पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया ट्रांजेक्शन आईडी। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर है बैंक नेम, सेलेक्ट बैंक नेम। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अपना बैंक जो है वो सेलेक्ट करना है कि किस बैंक से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो गलती से हुआ है। ठीक है, तो आप अपना बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पर है एयरटेल पेमेंट बैंक है, हर एक बैंक है जो भी आपका बैंक है ना, यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट करना है, किसी दूसरे बैंक को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, बंधन बैंक हो गया, देखिए सब बैंक है यहाँ पर, देखिए कैनरा बैंक हो गया। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो है मैं अपना जो बैंक है वो सेलेक्ट कर लेता हूं, सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, और उसके बाद यहां पर है क्या बोल रहा है, यूपीआई आईडी। आपको अपना फोन पे या फिर गूगल पे का यूपीआई आईडी यहां पर डालना होगा। यूपीआई आईडी क्या होता है, कहां पर आपको मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप फोन पे या फिर गूगल पे ओपन करोगे तो यहां पर आपको फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाता है। यहां पर देखिएगा, ये देखिए यहां पर यूपीआई आईडी है। ठीक है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, जहां पर आपका क्यूआर कोड होता है ना जो भी आपका फोन पे का, वहीं पर जो है वो आपका यूपीआई आईडी रहता है। तो आपको क्या करना है, अपने यूपीआई आईडी को इस तरह से यहां से कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद यहां पर आपको आकर इसे पेस्ट कर देना होगा। ये देखिए मेरा जो यूपीआई आईडी है यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ये अमाउंट बोल रहा है कि आपका जो गलत ट्रांजेक्शन हुआ है कितना अमाउंट था, कितना पैसा था। ठीक है, गलती से कितना पैसा आप जो है भेज दिए हैं। तो चलिए यहां पर हम जो डाल देते हैं 10,000 रुपया। ठीक है, ये मैंने 10,000 डाल दिया। अब उसके बाद यहां पर है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किस डेट को हुआ है। ठीक है, तो वो आपको डेट डाल देना होगा। तो यहां पर चलिए मैं अपना जो डेट है वो डाल देता हूं। ठीक है, जिस भी डेट को आपका गलत ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट यहां पर आपको डाल देना है। यहां पर देखिए अगर आपको वो नहीं मिलता है ना, आप भूल गए हो, तो आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहां पर आपको डालना है ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहां पर आप डाल दो। चलिए मैं यहां पर अपना डाल देता हूं। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहां पर अपना ईमेल आईडी डाल दिया। अब उसके बाद यहां पर क्या है, ये बोल रहा है यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो भी आपने फोन पे अकाउंट बना कर रखा है, बैंक में जो नंबर है, ठीक है, जो भी आपका गूगल पे में नंबर है, वो यहां पर नंबर आपको डालना होगा, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, तो यहां पर चलिए मैं यहां पर नंबर जो है डाल देता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर नंबर डाल दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मेन काम जो है वो शुरू होता है। मेन काम क्या है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था इसका, ये जो गलत ट्रांजेक्शन हुआ है इसका, जो पेमेंट डिटेल का जो जो ट्रांजेक्शन है इसका स्क्रीनशॉट लिया था, वो स्क्रीनशॉट का अब काम है। यहां पर मिल जाता है चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो आपको यहां पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाना है फाइल्स में, और जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उस स्क्रीनशॉट पर इस तरह से क्लिक कर देना है, वो स्क्रीनशॉट इसके अंदर अपलोड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है सबमिट। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। लेकिन सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक बात का आपको ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है कि आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 4 घंटे के अंदर में आप जो है वो ये सारा जो फॉर्म है वो फिल करोगे, कंप्लेन करोगे, तब आपका जो पैसा है वो वापस आएगा। ठीक है, मतलब कि 4 घंटे, अगर 4 घंटे के बाद करोगे ना तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, 4 घंटे के अंदर में ही आपको करना है। जैसे कि अभी आपका गलत ट्रांजेक्शन हुआ है तो 4 घंटे के अंदर में ही, 4 घंटे के बाद हो जाएगा ना तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको ये सब कुछ कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आपका सब कुछ हो जाएगा, ये फॉर्म फिल कर लोगे, तो बस यहां पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका 24 घंटे के अंदर में वो पैसा रिफंड आ जाएगा आपके उसी अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म फिल करो और आपका गलत ट्रांजेक्शन हुआ है तो इस तरह से आप पैसा वापस मंगवा सकते हो, लेकिन इसका आप गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है, नहीं तो कई लोग करेंगे कि मतलब पैसा उधर भेज दिए और आकर इधर पैसा मंगवा लेंगे, तो ऐसा गलत काम मत करना। आप इससे जो है वो सही काम करना, अगर गलती से पेमेंट हो गया है तो वो पैसा आप अपना वापस मंगवा सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कैसा लगा है ट्रिक मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।